दिस ट्यूटोरियल प्रीवियस क्लास में हमने स्टोमेटा की मूवमेंट या ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की स्टडी की थी. सो हमने उस क्लास में तीन थ्योरीज पढ़ी थी. तो हमने उसमें फर्स्ट थ्योरी पढ़ी थी स्टोमेटल मूवमेंट्स में. फर्स्ट थ्योरी थी फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स. मींस गार्ड सेल्स में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें ओपी और टीपी का मान इंक्रीज होता है जिससे स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं. तो इसके लिए मैंने एक रेफो में डायग्राम ड्रॉ किया था. तो इस थ्योरी का प्रतिपादन किया था वॉन मॉल ने. उसके अनुसार जब डे कंडीशन होती है तो गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है. जब फोटोसिंथेसिस होगा तो उन गार्ड सेल्स में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा. जब कार्बोहाइड्रेट बनेगा तो वह उस गार्ड सेल के माध्यम में घुल जाएगा और उन गार्ड सेल्स की कंसंट्रेशन को हाई कर देता है जिसके फलस्वरूप ऑस्मोटिक प्रेशर का मान इंक्रीज होता है और सब्सिडियरी सेल से जो कंटेंट वाटर कंटेंट होता है वो गार्ड सेल्स में आ जाता है. मींस एंडोस्मोसिस हो जाता है जिससे उनमें टर्गर प्रेशर का मान इंक्रीज होता है और स्टोमेटा ओपन होते हैं. लेकिन जब डार्क कंडीशन होती है या रात का वक्त होता है तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है जिससे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं होता है. सेल सैप की कंसंट्रेशन देन गिर जाती है. सेल सैप की कंसंट्रेशन घटेगी तो ओपी का मान घटेगा और एंडोस्मोसिस की जगह एक्सोस्मोसिस होगा और टर्गर प्रेशर भी कम हो जाएगा और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे. फिर मैंने सेकंड थ्योरी पढ़ाई थी आपको. सेकेंड थ्योरी थी स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी जिसका प्रतिपादन लॉयड ने किया था. उसने बताया था कि दिन के समय में गार्ड सेल्स में स्टार्च की मात्रा जो शुगर में कन्वर्ट होती है और रात के टाइम में शुगर जो स्टार्च में कन्वर्ट होता है तो गार्ड सेल्स में जो परागण सांद्रता में जो अंतर होता है उससे स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं. तो उसने इस तरह समझाया था. तो
जब दिन के समय में स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होता है तो स्टोमेटा ओपन होंगे, और जब रात के समय में शुगर स्टार्च में कन्वर्ट होता है तो स्टोमेटा क्लोज होंगे। थर्ड थ्योरी थी पीएस थ्योरी, जिसका प्रतिपादन सायरे ने किया था। इसके अनुसार गार्ड सेल्स में जो शुगर और स्टार्च का इंटर कन्वर्जन होता है या अंतः परिवर्तन होता है, वो गार्ड सेल के पीएच पर निर्भर करता है। मींस अगर गार्ड सेल की पीएच हाई होगी, मींस 7 से 7.5, तो स्टोमेटा ओपन होंगे, और अगर गार्ड सेल्स की पीएच लो होगी, मींस 5 के अबाउट होगी, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। इस थ्योरी का ड्रॉबैक या दोष या आलोचना ये है कि स्टीवर्ड ने कहा कि जो शुगर का इंटरकन्वर्जन होता है स्टार्च में, या स्टार्च का इंटरकन्वर्जन शुगर में होता है, तो गार्ड सेल की ओपी या टीपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या गार्ड सेल की परासरण सांद्रता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसकी आलोचना करते हुए उसने फोर्थ नंबर की थ्योरी दी, जिसे बोलते हैं स्टीवर्ड थ्योरी। इसका प्रतिपादन भी स्टीवर्ड ने किया था। इसने बताया कि जो गार्ड सेल्स में हाई पीएच पर स्टार्च से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ग्लूकोज 1-फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, जो एक सोल्यूबल शुगर होती है, वो बाद में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में चेंज हो जाती है। इसको दोबारा से समझेंगे। जो पीएच थ्योरी थी उसका मैंने रे डायग्राम बनाया था पूरा, उसमें मैंने बताया था कि स्टार्च शुगर में चेंज होती है जब डे टाइम में, तो शुगर कौन सी होगी, वो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। तो इसका दोष क्या था कि स्टीवर्ड ने बोला कि ये जो शुगर है इससे गार्ड सेल की पीएच पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, या ऐसे बोलूं कि उसकी परासरण सांद्रता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो स्टीवर्ड ने उस आलोचना को सिद्ध करते हुए दूसरी थ्योरी दी, स्टीवर्ड थ्योरी, जिसका प्रतिपादन भी स्टीवर्ड ने किया। उसके अनुसार गार्ड सेल्स में जो स्टार्च का कन्वर्जन होता है ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में, ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बाद में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में चेंज होता है, और जब ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में चेंज होगा तो इसके लिए आवश्यकता क्या होती है। एक तो आवश्यकता होगी इसमें एटीपी की। तो ये एटीपी इसको कहाँ से मिलेगी, ये एटीपी मिलेगी फोटोसिंथेसिस से, सॉरी ये एटीपी मिलेगी इसको श्वसन से, और ये श्वसन होने के लिए इसमें आवश्यकता होती है O2 की। तो इसने भी एक रे फॉर्म में इस प्रक्रिया को समझाया कि किस प्रकार से इसमें इंटरकन्वर्जन होता है।
तो स्टुअर्ट ने बताया कि जब कंडीशन डे होती है, मींस डे में जब लाइट होती है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इस फोटोसिंथेसिस के द्वारा स्टार्च जब ग्लूकोज में या ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में चेंज होता है, तो इसमें मेन क्या क्या नीड्स होती है इसकी, एक तो लाइट की उपस्थिति, फिर जब फोटोसिंथेसिस होगा तो पीएच भी हाई होगा, मींस उसमें CO2 का लेवल कम होगा, और जो CO2 उसमें बची हुई होगी वो इस प्रोसेस में यूज ले ली जाएगी, और फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। दोबारा समझेंगे, मैंने नेक्स्ट थ्योरी में समझाया था कि जब पीएच हाई होती है तो एक एंजाइम का एक्टिवेशन होता है जिसे बोलते हैं फॉस्फोराइलेज एंजाइम। तो प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस होगा जिससे CO2 का लेवल कम होगा और पीएच का मान हाई होगा। जब पीएच हाई होगी तो एक एंजाइम का एक्टिवेशन होगा जिसे बोलते हैं फॉस्फोराइलेज एंजाइम। इसकी उपस्थिति में ये स्टार्च सोल्यूबल या विलयशील ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में चेंज होता हो जाती है। फिर फॉस्फोम्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। जब ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फॉस्फेट के अणुओं में टूटता है, तो यहाँ पे ATP की आवश्यकता होती है, जो श्वसन के द्वारा प्राप्त हुई थी, ये ATP ADP में चेंज हो जाता है। ये जो ग्लूकोज और ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना है, ये गार्ड सेल्स में घुल जाता है। जब गार्ड सेल्स के माध्यम में ये घुलेगा, तो जो गार्ड सेल्स है उसके रस की या सेल सैप की कंसंट्रेशन हाई होगी, जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, DPD भी बढ़ेगा, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, और जिससे स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। लेकिन जब डार्क कंडीशन होती है तब ये ग्लूकोज ATP ऑक्सीजन व हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में फिर से ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। जब ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, उस वक्त या नाइट के टाइम में CO2 कंसंट्रेशन होती है ज़्यादा। जब CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट वापस से स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें पीएच का मान लो हो जाएगा। जब पीएच का मान लो होगा तब ये स्टार्च उस गार्ड सेल के रस को तनु कर देती है, जिससे क्या होगा, सेल सब की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी, और कंसंट्रेशन जब लो होगी तब DPD और TP और OP तीनों का मान कम हो जाएगा और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। इसको दोबारा से समझेंगे, डे कंडीशन में स्टार्च ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में चेंज होता है फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में, जिसका एक्टिवेशन हुआ था हाई पीएच पर। ये जो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट है, इसका फॉस्फोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में रूपांतरण हो जाता है, फिर फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ATP ADP में चेंज होती है, जिससे ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का निर्माण होता है, जिससे ये गार्ड सेल्स के माध्यम में घुलकर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, जिससे OP और DPD का मान बढ़ता है, टर्गर प्रेशर बढ़ता है, और उसके साथ ही स्टोमेटा ओपन होते हैं। लेकिन जब डार्क होता है तो उस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो ये जो ग्लूकोज है वो ATP, O2 और हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में वापस से रूपांतरण हो जाता है, और जब
रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो CO2 का यूज़ नहीं होगा और CO2 की कंसंट्रेशन फिर से हाई होगी, फिर ये हाई होगी तो pH का मान लो होगा, जब pH का मान लो होगा तो ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है जिससे सेल सैप की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी, OP और DPD का मान कम हो जाएगा, टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। लेकिन इस थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स या दोष हैं, क्योंकि शुगर का स्टार्च में इंटर कन्वर्जन या स्टार्च का शुगर में इंटर कन्वर्जन या अंतर परिवर्तन एक स्लो प्रोसेस है और जो रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया है वो एक फास्ट प्रोसेस है, तो इससे यह संभव नहीं हो सकता। फिर इसके बाद में एक और थ्योरी आई, एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, इसका प्रतिपादन लेविट ने किया था। उसके अनुसार स्टोमेटा का बंद होना व खुलना पोटेशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है या पोटेशियम आयन के स्थानांतरण पर निर्भर करता है। यह जो थ्योरी है वह मॉडर्न थ्योरी है। यह सर्वमान्य थ्योरी है। इतनी जितनी भी अपन ने थ्योरीज पढ़ी उसके अंदर यह सबसे मॉडर्न थ्योरी है और यह सबसे सर्वमान्य थ्योरी है जिसका प्रतिपादन लेविट ने किया था। इसके अनुसार जो गार्ड सेल्स के बाहर सबसीडियरी सेल्स होती है उनमें पोटेशियम आयन उपस्थित होते हैं और इन पोटेशियम आयन के स्थानांतरण से ही स्टोमेटा खुलते व बंद होते हैं। तो मैं इस थ्योरी को आपको एक रे फॉर्म में समझाती हूँ। ये है गार्ड सेल, ये है
सहायक कोशिका या सब्सिडियरी सेल। तो गार्ड सेल्स में जब दिन होता है या दिन के वक्त में लाइट की उपस्थिति में जब फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस क्यों होगा? जब मैंने स्टोमेटा की स्टडी की थी उसके अंदर मैंने बताया था कि गार्ड सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो ऑब्वियसली उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो गार्ड सेल्स में उपस्थित स्टार्च मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो यह मैलेट और केटायन मींस हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। जब ये मैलेट और केटायन मींस हाइड्रोजन आयन में टूटेगा तब सब्सिडियरी सेल्स में उपस्थित पोटेशियम आयन मैलेट के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम मैलेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये पोटेशियम मैलेट इस गार्ड सेल के माध्यम में घुलकर इस सेल की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, जिससे ओपी और डीपीडी का मान अधिकतम होता है और एंडोस्मोसिस होगा, मींस जो सहायक जो सेल्स होती है उनसे वाटर कंटेंट गार्ड सेल्स में आ जाएगा। फिर टर्गर प्रेशर बढ़ेगा जिससे सेल की जो वॉल्स होती है या गार्ड सेल्स की जो वॉल्स होती है वो बाहर की तरफ खिंचती है और स्टोमेटा ओपन होते हैं। दोबारा से मैं बताती हूँ कि जो पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी है जिसका प्रतिपादन लेविट ने किया था, उन्होंने ये बताया कि पोटेशियम आयन के स्थानांतरण से ही स्टोमेटा के बंद होने व खुलने की प्रक्रिया होती है। तो दिन के समय में फोटोसिंथेसिस होता है जिससे स्टार्च मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और मैलेट और केटायन में टूट जाता है, जिससे मैलेट के साथ सब्सिडियरी सेल्स का जो पोटेशियम आयन है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है गार्ड सेल्स में। मींस जो पोटेशियम आयन पहले गार्ड सब्सिडियरी सेल्स में था वो अब गार्ड सेल्स में स्थानांतरित हो जाता है और इस मैलेट एंजाइम की हेल्प से सेल सैप की कंसंट्रेशन बढ़ाता है। मींस ये पोटेशियम मैलेट का फॉर्मेशन करने के बाद में सेल सैप की कंसंट्रेशन बढ़ाता है, ओपी और डीपीडी का मान बढ़ाता है, जिससे जो नेबरिंग सेल्स हैं उनसे वाटर कंटेंट गार्ड सेल्स में आता है। एंडोस्मोसिस हो रहा है मींस टर्गर प्रेशर बढ़ेगा और ये वॉल्स खिंच जाएगी और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। इसके विपरीत जब डार्क कंडीशन होती है तब ना तो फोटोसिंथेसिस होगा ना ही जो मैलिक एसिड है वो मैलेट और केटायन में टूटेगा। जब ये नहीं टूटेगा तो सेल सैप तनु ही रह जाएगा और सेल सैप की कंसंट्रेशन हो जाएगी लो, डीपीडी और ओपी हो जाएगी लो, एक्सोस्मोसिस होगा और जब एक्सोस्मोसिस होगा तो टर्गर प्रेशर भी कम होगा और इस तरह स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब है स्टोमेटल मूवमेंट, रंध्रीय गतियों को प्रभावित करने वाले कारक या ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अफेक्टिंग फैक्टर्स। वातावरणीय आर्द्रता या एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इसके अकॉर्डिंग क्या है? अगर वातावरण में ह्यूमिडिटी या नमी ज़्यादा होगी तो उसमें ट्रांसपिरेशन
कम होगा और जब नमी ज़्यादा होगी तो स्टोमेटा भी ज़्यादा देर तक खुले रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो एनवायरनमेंट है उसके द्वारा स्टोमेटा से जल का अवशोषण नहीं होता है। सेकंड है लाइट। तो मैंने बताया था लाइट होगी मींस डे कंडीशन में स्टोमेटा ओपन होते हैं और डार्क में क्लोज होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइट होती है उसकी उपस्थिति में कंसंट्रेशन CO2 कंसंट्रेशन हाई हो जाती है जिससे स्टोमेटा ओपन होते हैं और लो होने पे क्लोज हो जाती है। थर्ड है pH। तो हाई pH में स्टोमेटा ओपन होंगे और जब लो pH होगी तो स्टोमेटा क्लोज होंगे। इस तरह आपके स्टोमेटल मूवमेंट्स को ये कुछ मैन मेड फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। थैंक यू।